राजस्थान के चुनावी अंकगणित में लाल डायरी से इतने सवाल निकलने लगे हैं कि राजस्थान के सारे सूत्र भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। द नगरी आपको बताएगी कहां से आई है लाल डायरी। द नगरी आपको दिखाएगी लाल डायरी के काले कारनामों का ब्यौरा। क्या राजेंद्र गुढ़ा किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, या फिर ये लाल डायरी चुनाव में बखेड़ा खड़ा करने वाली है। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मेरे पास ये लाल डायरी है। इस लाल डायरी में कई सवाल छिपे हैं, लेकिन लाल डायरी को समझने से पहले आपको जाना होगा फ्लैशबैक। साल 2020, जब गहलोत सरकार इस जद्दोजहद में थी कि सरकार किसी भी सूरत में बच जाए, उस वक्त इनकम टैक्स और ईडी के छापों ने सियासत के नापतोल करने वाले धुरंधरों के माथे पर भी पसीना ला दिया था। उस वक्त सिविल लाइंस के एक अपार्टमेंट में छापे पड़े। छापे किसी और के घर नहीं, बल्कि अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेता के घर। उस वक्त एक तरफ छापे पड़ रहे थे और दूसरी तरफ नंबर गेम में विधायकों की परेड कराई जा रही थी। ये तो घटना हुई 2020 की, अब वक्त है 2023 का। अब एंट्री होती है इस डायरी की। कहते हैं लाल रंग बगावत का है, और इस बगावत में पुराने दफन राज जो कहानी बयां कर रहे हैं वो सियासत की काली स्याह है, जिसे सफेद पोश किरदार किनारा करने की कोशिश में जुटे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ की इस डायरी को लेकर विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जो खरीद फरोख्त हुई है उसके सबूत मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेंद्र गुढ़ा ने डायरी से जुड़ा एक कागज भी पेश किया, और इस कागज में क्या कुछ लिखा हुआ है आपको बताते हैं। विधायक राजेंद्र गुढ़ा के अनुसार धर्मेंद्र राठौड़ की डायरी में जो लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसा नहीं दे रहा है। घर पर भवानी सामोता और राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा।